subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel. और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक. तो बैंक निफ्टी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद हुआ है 36,719 पे, लगभग 470 पॉइंट गेन के साथ 1.3%. यह बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रहा है. जो हमारे टारगेट थे 36,500 का, वो अचीव कर लिया है. लगभग हमने 37,000 के नियर भी जाते हुए देखा था और अच्छे खासे गेन के साथ बैंक निफ्टी हमने क्लोजिंग देखी है. यहाँ मंथली चार्ट पे देखोगे तो हम लगभग ट्रेंड 10% गेन के साथ ट्रेड कर रहे हैं फॉर द मंथ, लगभग 3,300 पॉइंट गेन के साथ. और यहाँ 20 मंथ का जो एवरेज है वहाँ सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक दिया है बैंक निफ्टी ने. यहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने और वहाँ से बाउंस बैक किया है. तो एक अच्छा खासा सिग्नल है लॉन्ग टर्म के लिए. और यहाँ जो है तो अर्ली लॉन्ग टर्म ट्रेंड कंटिन्यूएशन के साइन दिख रहे हैं. अभी देखते हैं वीकली चार्ट. तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो इस वीक बैंक निफ्टी ने लगभग 5.6% के गेंस दिखाई है और लगभग 2000 पॉइंट के गेन के साथ बंद हुआ है. यहाँ लो था लगभग 34,900 के अराउंड और हाई था लगभग 36,900 के अराउंड. तो यहाँ जो है तो हमने लगभग 3000 पॉइंट की रैली टॉप टू बॉटम रैली देखी और क्लोजिंग जो है तो वो 2000 पॉइंट की रैली देखी है और लगभग उतने ही पॉइंट के साथ हम क्लोजिंग भी देखा है. हमने वीक हाई पे बंद हुआ है मार्केट. यह वीकली चार्ट पे भी अर्ली लॉन्ग टर्म रिवर ट्रेंड कंटिन्यूएशन साइन दिख रहे हैं क्योंकि हम सभी एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. यहाँ नीचे की तरफ सपोर्ट बहुत ही डीपर है. फर्स्ट सपोर्ट है 35,300 के राउंड और उसके बाद में 33,700 के राउंड नेक्स्ट सपोर्ट है. तो ये सपोर्ट अगर सस्टेन करता है मार्केट बैंक निफ्टी तो आपको ऊपर के लेवल भी आते हुए दिखेंगे इन मीडियम टू लॉन्गर टर्म. यह क्लियरली बुलिश मोमेंटम है और स्ट्रेंथ भी लॉन्ग साइड पे ही है. मगर यह दिक्कत की बात एक है कि सपोर्ट बहुत ही डीपर है. तो यह मेरी सलाह रहेगी कि जिसको भी इन्वेस्ट करना है वो सपोर्ट के अराउंड ही करें. अभी जो मार्केट है वो शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट लग रहा है. तो उसके लिए देखते हैं डेली चार्ट. तो डेली चार्ट पे आप देखोगे कि हमारा जो 36,500 का टारगेट था वो अचीव कर लिया. अभी बैंक निफ्टी बढ़ रहा है 38,000 के लेवल की तरफ. यह जो है तो मार्केट ओवरबॉट है और यहाँ नीचे सपोर्ट बहुत ही डीपर है. डेली चार्ट पे जो सपोर्ट है वो 35,400 और उसके बाद में 34,800 के है. अगर किसी कारणवश मार्केट में करेक्शन आता है तो इन सपोर्ट की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखेगा और उसको टेस्ट करते हुए दिखेगा. यहाँ मोमेंटम लॉन्ग साइड पे है तो आपको लॉन्ग साइड पे रहना है. मगर आई विल प्रीफर लॉन्ग साइड ऑन इंट्राडे बेसिस. अगर हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो हम शॉर्ट साइड पे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और शॉर्ट साइड पे जो टारगेट बनी है हमारे वो रहेगा 35,500 और उसके बाद में जो है तो 34,800 का आपको टारगेट ऑन डाउन साइड देखने को मिल सकता है. यहाँ अभी इमीडिएट सपोर्ट जो रहेगा बैंक निफ्टी के लिए वो रहेगा 36,500 का. अगर उसके नीचे स्लिप करते हैं तो आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है मार्केट में जो उसको धीरे धीरे लेकर जाएगा 35,400 और 34,800 के लेवल की तरफ. तो यहाँ दोनों तरफ के मौके मिलेंगे. करंटली मार्केट ओवरबॉट है तो आई विल चूज लॉन्ग साइड बट ऑन इंट्राडे बेसिस ओनली. अगर हमें पोजिशनल ट्रेड लेना है तो हम शॉर्ट के ट्रेड या फिर करेक्टिव ट्रेड ढूंढेंगे. मुझे लगता है कि ज़्यादा पैसे जो है तो शॉर्ट साइड पे बनेंगे पोजिशनल बेसिस पे. इंट्राडे बेसिस पे लॉन्ग साइड कंटिन्यू हो सकती है. और अगर बैंक निफ्टी 36,500 का लेवल सस्टेन करता है तो आपको 38,000 के भी लेवल आते हुए देखेंगे. यहाँ शॉर्ट कवरिंग की वजह से मोमेंटम लॉन्ग साइड पे बना हुआ है. मगर जिस टाइम शॉर्ट कवरिंग जो है तो ख़त्म हो जाएगी आपको मार्केट जो है तो अच्छा खासा करेक्शन देता हुआ दिखेगा. तो आपको दोनों साइड पे खेलना है. करंटली लॉन्ग साइड पे मोमेंटम है मगर मार्केट ओवरबॉट है तो आपको जो है तो कॉशियसली लॉन्ग साइड पे ट्रेड करना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ. ऑप्शन ट्रेडर जो है तो आपको ऑप्शन ट्रेडर में के लिए 36,500 के ऊपर कॉल ऑप्शन पे हमारा फोकस रहेगा. अगर उसके नीचे बैंक निफ्टी स्लिप करता है तो हम इन द मनी पुट ऑप्शन के साथ ट्रेड करेंगे. यह 35,500 ये लक्ष्मण रेखा रहेगी मेरे लिए अगले हफ्ते के लिए. उसके ऊपर लॉन्ग साइड, उसके नीचे जो है तो शॉर्ट साइड के ट्रेड हम खोजेंगे.
विथ इन द मनी पुट ऑप्शन। सो आई होप सो ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉट इंडेक्स फ्यूचर और ऑप्शन के कॉल चाहिए तो मेरी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।